हाथ में यूट्यूब है। देखा देखा बना देखा। देखा ले आज के। इनला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज मैं खुद के बाइक में फंस गया, स्टार्ट नहीं हो रही थी। दरअसल हम अभी भागलपुर आए हुए थे और भागलपुर से हम कोला डिपू होते हुए साइड होके हम निकल रहे थे मासीपुर होते हुए घर। तो यहाँ पे जो है ना आगे एक पुल है, यानी कि रेलवे लाइन का पुल, वहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो उसी से हम पार कर रहे थे। तो हमारी बाइक बीच में ही बंद हो गई, हम पार नहीं हो सके। बाकी सभी जितने भी गाड़ी वाले हैं, सभी बाइक, मतलब जितने बाइक वाले हैं सभी बाइक पार हो रहा, लेकिन मेरा बीच में बंद हो गया। और आपको बता दें, बंद होने का कारण, इससे पहले भी मतलब दिक्कत होता था मेरे बाइक में, जब भी हम वॉश करते थे इस बाइक को तो वॉश करते समय फिर स्टार्ट नहीं होता था। तो मुझे शक हुआ इस पर, जहाँ तक मुझे जानकारी था पहले से, पानी थोड़ा बहुत आया था सरेंसर में, तो यहाँ सुराख से निकल गया। ये सुराख दिया होता नीचे, अगर पानी जाएगा तो सुराख से नीचे गिर जाएगा। तो ज़्यादा पानी नहीं निकला, बस थोड़ा सा ही निकला, समझो कि एक कप के बराबर या फिर एक गिलास के बराबर। तो इंजन में पानी मुझे उम्मीद है कि नहीं गया, कन्फर्म पता है कि इंजन में पानी नहीं गया है। बस दिक्कत जो हुआ इसमें, यहाँ तक जो पानी में मैंने बाइक को चला दिया, पूरा इंजन डूब गया था। तो ये जो आप देख रहे हैं प्लग होल्डर में पानी जाने की वजह से यहाँ से करंट लीकेज करने लगा, बस इतना ही हुआ। तो मैंने प्लग खोला, शक के लिए प्लग खोल के मैंने किक मारा, सेल्फ मारा, सोचा कि चलो अगर सेंसर के द्वारा हेड में पानी गया होगा तो पता चल जाएगा। तो हेड में भी पानी नहीं गया, अगर हेड में पानी नहीं गया है तो समझिए कि इंजन में भी पानी नहीं गया है, है ना। तो इधर बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, पानी वगैरह नहीं गया, ना फिल्टर में गया है ना इंजन में गया है। बस दिक्कत जो था दोस्तों इसका, प्लग होल्डर का, देखिए मैंने पहले भी टेप लगा के रखा था, यहाँ पे टेप भी लगा के रखा था, फिर भी ये अंदर चला गया थोड़ी बहुत लीकेज करके। तो अब जो मैं यहाँ से शॉप जाऊँगा, तो अभी तो रात है भाई, कल हम कोशिश करेंगे कि इसका अच्छे से रिपेयर करेंगे। अगर ये वायर मुझे मिल जाता पूरा नया तो हम ये ले लेंगे, नहीं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नया हम प्लग का जो होल्डर होता है वो हम लगा देंगे, यहाँ से ये लीकेज कर रहा है। तो आपको बता दें, बारिश के मौसम में ये काम आपको पहले ही करके रखना चाहिए। हालाँकि आप फिर मुझे बेवकूफ़ समझेंगे भाई कि फिर आपने क्यों नहीं किया। तो क्या बताएं भाई, एक मैकेनिक क्या होता है, एक दर्जी सबका कपड़ा सीता लेकिन अपना ही नहीं सी पाता। उसी तरीके से सबके बाइक को तो हम सर्विस करते हैं, लेकिन अपना खुद का बाइक जो है सही टाइम पे सर्विस नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, मतलब सिर्फ स्पार्क लीकेज कर रहा था, अब मैंने इसको साफ सफाई कर दिया, सुखा दिया इसको, मतलब फूक मार के, और अब ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट हो गई है, अभी स्टार्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अब मैं बाइक को चला सकता हूँ। तो आपको बता दें कि बारिश का मौसम है तो आपको जो काम कर लेना चाहिए, अगर प्लग होल्डर किसी ने चेंज किया, डुप्लीकेट लगा है, इसको आपको ओरिजिनल लगा देना है। अगर ओरिजिनल लगा हुआ है तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मतलब कोई भी टैप वगैरह लगा दें, ठीक है, तो इतना मतलब अच्छा रहेगा। और एक चीज़ बताते देते हैं दोस्तों, बहुत सारे बाइक क्या होता है, पुराना बाइक में ये जो सलेंसर होता है वाइट स्मोक देने की वजह से यहाँ का सुराख बंद हो जाता है। यहाँ का सुराख भी आपको खोल लेना है, क्योंकि अगर सलेंसर में पानी जाएगा तो यही ओवर पानी निकलने के लिए दिया जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाइक स्टार्ट हो चुकी है और मैं अपने घर की ओर चलता हूँ। यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर अभी भी मुझे चलना है, और देखते हैं रास्ते में भाई खुदा जाना है जो भी दिक्कत हो। बाकी उम्मीद तो है रास्ते में माशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं हुआ है, कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ है, अभी कोई मैकेनिक भी नहीं है। देखिए इसमें ये जो टूल बॉक्स होता है, कंपनी सभी कंपनी मतलब टूल से देते हैं, ये स्पार्क प्लग खोलने के लिए टूल्स हो गया, ये स्पार्क प्लग, ये मतलब पेचकस हो गया, इसके द्वारा फिल्टर खोल सकते हैं अगर फिल्टर में पानी गया है तो, और ठीक है। तो चलो इसको हम रख देते हैं, ये सारा पेपर वगैरह है, पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें रखा हुआ था। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना भाई, शेयर तो ज़्यादा ज़्यादा करना, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, सभी लोग इसके चक्कर में पड़ सकते हैं, ठीक है ना। क्या छोटू लोग